हेलो स्टूडेंट, हमारा काइनेमेटिक्स में हमारे 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हमने एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज का जो न्यूमेरिकल है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट सेकंड रहेगा हमारा एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल का। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो जेई मेंस में आया हुआ है 2007 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है वी इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ओके, इफ इट्स पोजिशन इज एक्स इक्वल टू जीरो, जो हमारे पास पोजिशन है वो एक्स इक्वल टू जीरो है एट टी इक्वल टू जीरो। जब हमारे पास टाइम क्या था, जीरो था, उस समय पोजिशन हमारे पास क्या थी, जीरो। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम टी इक्वल टू वन, हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है टाइम टी इक्वल टू वन पे, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी अपने पास गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास गिवन है वी इक्वल टू वी नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। तो हमने केस पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या था, डी एक्स बाई डी टी, ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी को। तो ये हमारे पास वेलोसिटी है, तो हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा वी नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एक्स इक्वल टू वी नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी टी। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है तब हम किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये मींस स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें तो यहाँ पे कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो कंप्लीट टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ये पार्ट होता है इंटीग्रेशन का, ये जो सिंबल होता है ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब इंटीग्रेशन हमें करना है तो किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट चलेंगी, डिस्प्लेसमेंट जब टाइम टी जीरो था तो एक्स क्या था, जीरो था, मीन्स यहाँ पे चलेगा टाइम इंटरवल जीरो। ओके, जब टाइम टी वन होगा तब हमें यहाँ पे बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। ओके, तो टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे स्मॉल और ये इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट। ओके, यहाँ पे हो जाएगा, इसका क्या करना पड़ेगा हमें, कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे वी नोट, वी नोट क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट टर्म का जो इंटीग्रेशन होता है, जब हम किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे टू डी टी है, तो टू क्या है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है वन, और वन को हम लिख सकते हैं टी की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो क्या होता है वन, और ये हो गया डी टी। ओके, इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या था, पावर को आगे लेके आना होता था, और पावर में से एक क्या करना होता था, माइनस। और इंटीग्रेशन में क्या करना होगा, जो भी पावर है पावर में क्या करना होगा, एक ऐड करना होगा, और उसी से क्या करना होता है, डिवाइड। ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो यहां से क्या आ जाता है, टू टी, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन भी टू टाइप्स के होते हैं, तो इंटीग्रेशन का भी एक हम वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, अपलोड कर देंगे जल्दी। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर लिमिट ना हो, अगर लिमिट गिवन ना हो तो वो हमारा इनडेफिनेट होता है, और अगर लिमिट गिवन होती है तो वो क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे टू हमने बाहर लिया, और यहाँ पे टी की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो क्या होता है, वन। हम टाइम की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी की पावर जीरो हम ले सकते हैं, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारे पास क्या आया, टू टी। तो एज इट इज यहाँ पे वी नोट क्या है, कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे वी नोट टू की तरह कॉन्स्टेंट है, और क्या आ जाएगा, टी। क्लियर है, आगे चलते हैं, प्लस जी यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट टर्म जी तो एज इट इज रह जाएगा, अब इसकी पावर क्या है, वन, तो पावर में एक क्या करना होगा, एड, वन प्लस वन, और इसी से क्या करना होगा, डिवाइड। क्लियर है, प्लस। अब एफ क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट, एफ क्या है, कॉन्स्टेंट। अब टी क्या है यहाँ पे, टी की पावर टू है, तो पावर में एक क्या करना होगा, डिवाइड, टू प्लस वन, टू प्लस वन, और डिवाइड भी इसी से करना पड़ेगा हमें, टू प्लस वन।
क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे लिमिट रखनी होती है, लिमिट क्या है हमारे पास, जीरो, और कहाँ से है, जीरो से वन तक है। तो अब क्या करना है हमें, सिर्फ लिमिट पुट करना है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, लिमिट उसके बाद पुट कर लेंगे, v नोट t प्लस यहाँ पे हो गया g t स्क्वायर पावर वन प्लस वन t स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस f, यहाँ पे हो गया टू प्लस वन तो t की पावर थ्री, और डिवाइड में भी क्या हो जाएगा थ्री, और लिमिट क्या है हमारे पास जीरो से वन। तो हमारे पास x आ गया v नोट t प्लस g t स्क्वायर बाई टू प्लस f t क्यूब बाई थ्री। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स जहां पे t है वहां पे वन पुट करेंगे एक बार, जहां पे भी t है वहां पे वन पुट करेंगे, फिर माइनस जहां पे t है वहां पे क्या पुट करेंगे जीरो, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर पुट करते हैं, v नोट t क्या है यहाँ पे वन हो जाएगा, t की जगह क्या रखना है हमें वन प्लस g बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस f, यहाँ पे हो जाएगा वन की पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री माइनस लोअर लिमिट करेंगे जीरो करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस ये भी जीरो हो जाएगा t स्क्वायर, t की जगह क्या पुट करना है अब जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे सोल्व होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, x v नोट प्लस g बाई टू प्लस f बाई थ्री, तो ये हमारे पास x आ गया जो क्या था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या फाइंड करना था डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आज का हमारा न्यूमेरिकल क्या होता है कंप्लीट। तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था और जेई मेंस में आया हुआ न्यूमेरिकल है 2007 में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी जेई मेंस में आया हुआ है, तो उस न्यूमेरिकल के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है, हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बार पहले खुद से आप पोज करके ट्राई करना। एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डिक्लेरेटेड, मीन्स डी एक्सेलरेशन बोल रहा है, एट अ रेट गिवन बाय डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस 2.5 रूट वी, वेयर v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest would be। तो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और ये भी जेई मेंस में आया हुआ न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास ऑप्शन भी है, ऑप्शन दे रखा है ए 1 सेकेंड, बी 2 सेकेंड, सी 8 सेकेंड, और डी हमारे पास है 4 सेकेंड। तो एक बार आप लोग भी पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो, और बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उसके बाद हम आपको ट्राई कराते हैं उसके बाद हम सोल्व कराते हैं। सॉरी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डिक्लेरेटेड एट अ रेट गिवन बाय डी वी बाई डी टी, मीन्स डी एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन में, मतलब डी एक्सेलरेशन दे रखा है 2.5 रूट वी, वेयर वी इज द
इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी, हमें वो टाइम बताना है जब ऑब्जेक्ट किस में आएगा, रेस्ट में आएगा। तो एक बार आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए, एक बार अच्छे से इसको खुद से ट्राई करो, ट्राई करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर देंगे, उसमें हम इसको कंप्लीट क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो और कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।